विंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ग्राहक भारती के स्वयंसेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर विनोद तिवारी ने अवैध सिलेंडर की रिफिल कालाबाजारी और इस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस विषय को लेकर तमाम जानकारी देते हुए लोगों में जन जागृति कैसे की जा सकती है, इस बारे में आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी है। इस मौके पर संस्था के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं। व्यावसायिक सिलेंडर के अनाप शनाप दाम बढ़ने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडरों का उपयोग शुरू कर दिया है। कई जगहों पर तो सीधे 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की गैस पलटी की जा रही है। इतना ही नहीं तो वाहनों में भी अब घरेलू सिलेंडरों का भी उपयोग हो रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। सिलेंडरों के अवैध उपयोग से किसी दिन बड़ा धमाका होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाजार में थोड़े से अधिक पैसे देने पर घरेलू सिलेंडर आसानी से ब्लैक में मिल जाता है। कुछ गैस एजेंसियां तो डमी ग्राहकों के नाम पर तेल कंपनियों से ज्यादा सिलेंडर खरीदकर कालाबाजारी कर रही है। अपने संबोधन में काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ग्राहक भारती के स्वयंसेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर विनोद तिवारी जी ने आज नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में व्याख्यान दिए। थोड़े से अधिक पैसे देकर सिलेंडरों को अपने पास जमा कर उसे अधिक पैसे में बाजार में बेचने के लिए एकत्र किया जाता है। इसके ऊपर भी किसी नियंत्रकों का ध्यान नहीं जा रहा है। कुल स्वरूप एक और सिलेंडर के दाम में तेजी से इजाफा हो रही है और एक और घरेलू गैस के दाम बढ़ने के कारण सामान्य और गरीब लोग संभल कर गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल एक परिवार 2 से 3 माह तक एक सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने मार्केटिंग का नया पैतरा चलाकर ग्राहकों के नाम पर ऑटो बुकिंग करके डीलरों के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। सिलेंडर बुक न करने के कारण ग्राहक वह सिलेंडर नहीं लेते और ऐसे ही सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जाता है। इस तरीके से गैस एजेंसियां सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। थोड़े से पैसों के लिए एलपीजी गैस वाहनों में भरकर कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान धोखे में डाल रहे हैं। एक टिल्लू पंप और सामान्य पाइप की मदद से एलपीजी गैस वाहनों में डाली जाती है। सबसे गंभीर बात यह है कि कितनी गैस भर गई है यह देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक सिलेंडर की तुलना में घरेलू सिलेंडर के दाम कम होते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में वाहनों में घरेलू सिलेंडर की एलपीजी भरना महंगा हो सकता है। घरेलू सिलेंडर घर पर खाना बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसमें कम दबाव पर गैस भरी जाती है। इस गैस का इस्तेमाल वाहनों में करने से पिकअप पर असर होता है, साथ ही वाहनों की किट में कार्बन जमा होती है, परिणाम स्वरूप इंजन खराब भी हो सकता है। 20,000 कोटी पर एनम से टैक्सेशन से रेवेन्यू चाल सब्सिडी बुड़न राहली त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे हा जो एक सिलेक्ट समाजातील एका बोटावरती मोजणाऱ्या लोकांनी हा जो हायदोत चालवलेला आहे त्या हायदोताचा किती मोठा परिणाम भारताला होऊन राहिला आणि त्यामुळे आपण आपल्याला हा सिलेंडर घ्यावा लागला 1,000 रुपयाला। अहो जेव्हाही सबसिडीचा हा जो ही जी चोरी कर तुम्ही थांबवली तर सिलेंडर 600 रुपयाला होईल आणि सरकारला का समजत नाही हे म्हणजे समजत नाही मग उमजत नाही काय आहे हे आता हे समजायला आम्हाला चान्स नाही आहे। म्हणून आम्ही हा जो विषय घेतला मी जो तुम्हाला प्रेस कॉन्फरन्समध्ये समजून सांगितला हा विषय कुणा एका व्यक्तीचा नाही कुणाच्या विरुद्ध नाही कुण्या एका डीलरच्या विरुद्ध ऑइल कंपनीच्या विरुद्ध नाही। ही जे कीड लागलेली आहे सामाजिक कीड पूर्ण आणि एक इझी अर्निंग मनी का जो पॅटर्न गिरा आहे एक तो व्हाईट कॉलर क्राईम आहे ये कोई चोरी चपाटी नहीं चोरी चपाटी के ऊपर रही है। कैमरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।